जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल जब से आर्मी पुलिस ने मिलकर एक हम लोग मिशन पर चले थे कि जो नए रिक्रूट मिलिटेंट्स है, टेररिस्ट है, उग्रवादी, उसको मौका दिया जाए कि मेन स्ट्रीम में आ जाए, पर और इसमें इनिशियल मंथ में काफ़ी सपोर्ट मिला पब्लिक का, फैमिली का, इनकाउंटर साइट में, और जो टेररिस्ट बनने वाले थे, पाइपलाइन में थे, काफ़ी वापस आ गए। इससे काफ़ी पाकिस्तान के जो हैंडलर हैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए। उसके बाद आप देखे होंगे कि टूरिस्ट भी काफ़ी यहाँ पर आना शुरू हो गया, काफ़ी लोग आने लगे, काफ़ी डिग्निटी आते रहे हैं। मोर देन 300 MP लोग यहाँ विजिट कर चुके हैं, काफ़ी ऑनरेबल मिनिस्टर्स विजिट कर रहे हैं, काफ़ी दूसरे स्टेट के काफ़ी लोग आ रहे हैं। इन और जो गिलानी का रिसेंटली डेथ हुआ है, उसमें लोगों ने जो मैच्योरिटी दिखाया, जो पीस ये दिखाया कि उसको पीस चाहिए उनको, क्यों पीस से ही डेवलपमेंट होता है। इन सारे फैक्ट्स के बाद पाकिस्तान के हैंडलर काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए, और ये पिछले कई महीने से फ्रस्ट्रेट होते आ रहे हैं पूरा। इसके चलते इन्होंने एक मोडस ऑपरेंडी अपनाया, जो इनोसेंट सिविलियन है उनको पिस्टल से फायर करके मारा जाए। जो पुलिस वाले, आप लोग ट्रेंड देखे होंगे, इस साल जितना भी पुलिस पर अटैक हुआ, सारे पुलिस वाले अनआर्म थे, या कोई छुट्टी पर था, क्या कोई ड्यूटी पर से बाहर जा रहा था, लेकिन बिना हथियार वाले पुलिस वाले पर अटैक करके मारा गया। और 85% इंसिडेंट में पिस्टल यूज़ किया गया है। पिस्टल को कैरी करना ईजी होता है, कंसील करना ईजी होता है, भीड़ भाड़ में जाके अटैक करके भागना ईजी होता है। इसलिए पाकिस्तान ने एक मॉडर्न भी अपनाया है कि पिस्टल को यूज करके और एक किलिंग करके, इनोसेंट किलिंग करके, चाहे सिक्योरिटी फोर्स का आदमी हो, पुलिस का हो, सिविलियन हो, चाहे और कोई भी हो, इनोसेंट आदमी, किसी को बताता है कि इन्फॉर्मर है, जबकि इन्फॉर्मर नहीं होता है। अपने क्राइम को लीगलाइज करने के, रेशनलाइज करने के लिए बोलता है कि इन्फॉर्मर है, जबकि इन्फॉर्मर नहीं है। ये लोग अटैक किया जा रहा है। और आपको मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगा, अभी तक इस साल जनवरी से लेकर अभी तक 23 सितंबर तक 97 पिस्टल आज के मिला दे तो 97 पिस्टल रिकवरी हुआ है। ये शो करता है कि पूरा पाकिस्तान का ये एजेंडा है कि मैक्सिमम नंबर पिस्टल को यहाँ पर पंप किया जाए, हैंड ग्रेनेड को पंप किया जाए। आप जितना भी देखते हैं कि हैंड ग्रेनेड थ्रो होता है सिविलियन पर, भीड़ भाड़ इलाके में, उसमें काफ़ी सिविलियन भी जख्मी हुए हैं। तो इनका मोर्चाबंदी है, यहाँ पर आतंक का एक वातावरण, एक फेयर, एक एनवायरमेंट पैदा किया जाए जिससे कि टूरिस्ट नहीं आ सके, यहाँ के लोगों को खुशहाली देखना नहीं चाहते। इनका एजेंडा है, इस एजेंडा के तहत ऐसा कर रहा है।